नमस्कार दोस्तों, मैं किशन उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने रेडएक्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं अमेजॉन एफिलिएट की कमीशन के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप अमेजॉन एफिलिएटर हो तो शायद आपको कमीशन में प्रॉब्लम आ रही होगी, या आप अमेजॉन पर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा सा मन में डाउट है कि अमेजॉन हमें कितना कमीशन देता है पर प्रोडक्ट पर। तो इसी टॉपिक में इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाके एक एक पॉइंट और एक एक कमीशन के बारे में समझाने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। प्लीज़ समय निकाल के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन जाएगा नहीं और आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सब सीखने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा पोर्टल पर ले जाके कैसे इसका कमीशन है, कितना कितना एफिलिएट यानी कि अमेजॉन एफिलिएट हमें कमीशन देता है पर प्रोडक्ट पर। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ अमेजॉन किस प्रोडक्ट पे, जो अमेजॉन एफिलिएट है एसोसिएट अकाउंट होता है, वो हमें किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन देता है। तो ये सब बताने के लिए मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाके आपको दिखाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एफिलिएट अकाउंट एसोसिएट अकाउंट जो अमेजॉन का है उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है अपने कंप्यूटर में। लॉगिन करने के बाद जो आपका अमेजॉन एफिलिएट का डैशबोर्ड रहेगा कुछ इस तरह का डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद देखिए, आपको अगर आप कमीशन चेक करना है तो सबसे पहले आपको लास्ट में देखिए, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आपको मिल जाएगा एक हेल्प का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आप हेल्प का ये ऑप्शन देख रहे होंगे, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, जो आपका कमीशन का स्ट्रक्चर है वो पूरा इस वीडियो में आपको कंप्लीट होने वाला है। एफिलिएट का कमीशन को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, पूरी एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देखिए चौथे नंबर में मिल जाएगा एडवर्टाइजिंग फी एंड शेड्यूल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, हमारा पेज थोड़ा लोड होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुल के आता है वो कमीशन का ही पेज होगा। अब यहाँ देखिए, कुछ इतना एसोसिएट प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल करके एक मैसेज आया है जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का दिखा रहा है, ठीक है। अभी देखिए, इस टॉपिक में सिर्फ मैं कमीशन को लेकर बात करने वाला हूँ, एफिलिएट कमीशन को लेकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका कमीशन मिलेगा, डिस्प्ले पे भी शो हो जाएगा और अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, सारे कमीशनों का। तो देखिए, सबसे पहले किचन यानी कि किचन संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, हाउसवेयर है या एसेसरीज, मतलब समझ लीजिए कि किचन में जो भी पार्ट्स आते हैं उनमें आपको 9% कमीशन मिलने वाली है, ठीक है। अभी आ जाइए लकड़ी के सामान में, जैसे कि फर्नीचर हुआ, आउटडोर हुआ, डाइनिंग टेबल्स हुआ, चेयर हुआ, कुर्सी हुआ, इसमें भी आपको 9% का कमीशन मिलने वाला है। अब आइए इसमें ग्रोसरी पेंट्री करके है, इसमें भी आपको 8% का कमीशन है। और होम बेबी यानी घर के लिए कोई भी सामान लेते हैं, बच्चों के लिए कोई कपड़ा वगैरह किनते हैं तो आपको इसमें 6% कमीशन मिलेगा। अब आइए ऑटोमोटिव और लैंड गार्डन स्पोर्ट्स वगैरह का जो सामान है उसमें आपको 6% मिलेगा। टेलीविज़न कंप्यूटर कंज्यूमर और कंप्यूटर का एसेसरीज, ठीक है, इसमें सारा चीज़ आपको 5% कमीशन मिलने वाला है। लार्ज अप्लाइसेंस मूवीज़ म्यूजिक सॉफ्टवेयर वीडियो एंड गेम्स, इसमें इस तरह के रिलेटेड गेम रिलेटेड भी कोई सामान खरीदते हो तो आपको 5% कमीशन मिलने वाला है। किताबें खरीदेंगे या ऑफिस के लिए कोई भी मटेरियल खरीदेंगे उसमें भी आपको 5% मिलने वाला है। एपेरियल एसेसरीज या बैग वगैरह है, वॉच है, जूता है, स्लीपर है, वो उसमें भी आपको 5% मिलने वाला है। हेल्थ संबंधी या ब्यूटी संबंधी या पर्सनल केयर संबंधित कोई भी आप सामान लेते हो, जैसे क्रीम वगैरह हुआ, फेस वॉश वगैरह हुआ, इसमें भी आपको 5% का कमीशन मिलने वाला है। ज्वेलरी हुआ और गवर्नमेंट काइंडली बुक्स हुआ, ई बुक्स हुआ, सारा ज्वेलरी वगैरह में भी आपको 5% का कमीशन मिलने वाला है। मोबाइल एसेसरीज और मोबाइल वगैरह में आपको 4% का कमीशन मिलने वाला है। साइकिल वगैरह का कुछ जिम इक्विपमेंट लेते हैं जैसे कि बॉडी को बनाने के लिए, उसमें आपको 2.5% का कमीशन है। और डाटा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे मेमोरी पेन ड्राइव वगैरह लेते हो तो उसमें आपको 2% का है। मोबाइल फ़ोन्स में आपका जो अगर सिर्फ मोबाइल ही लेते हो तो आपको 1% कमीशन है, यानी कि सबसे कम कमीशन जो है वो मोबाइल फ़ोन्स में है। इसके बाद आइए यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वगैरह है, ये अदर चीज़ हैं, अदर चीज़ में आपको 5% कमीशन है। यानी कि कम से कम जो हमें कमीशन मिलता है, सबसे कम कमीशन मिलता है हमको सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स में। इसके बाद एक और है 2% में डाटा स्टोरेज में, उनसे में हमको कमीशन नहीं मिलता है। सबसे अच्छा देखिए कमीशन किस में मिलता है हमें, किचन अप्लाइंसेस में और फर्नीचर में। और उसके बाद आपका एक और आता है जिसमें हम ट्राइपॉड वगैरह बेचते हैं, मोबाइल एसेसरीज वगैरह में, उन सब में लगभग 4-5
मिलता है कमीशन, ठीक है। यानी देख सकते हैं आप एसेसरीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एसेसरीज, इन सब में आपको 5% कमीशन। यानी सबसे बेहतर किचन में मिलता है और फर्नीचर में मिलता है, उसके बाद भी बेबीज वगैरह में आपको 5-6% का कमीशन मिलता है, मोबाइल में सबसे कम है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था कि कमीशन का स्ट्रक्चर आपको समझाना, ताकि आप अच्छे से एफिलिएट का काम कर सको। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाला था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।